अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द फातिमास किचन। आज जो रेसिपी आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ वो है साबूदाने वड़े। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने साबूदाना लिया है, इसे मैंने 8 घंटे तक के लिए भिगा के रखा था। फिर यहाँ पे मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉईल करके रखा है, इसे मैं 2 घंटे पहले बॉईल करके रखी हूँ। फिर यहाँ पे मूंगफली है जिसे मैंने ड्राई रोस्ट किया है, 3 बड़े चम्मच ले रहे हैं। फिर धनिया की पत्ती है, चॉप अदरक है, चॉप हरी मिर्ची हैं। और फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ नींबू का रस 2 बड़े चम्मच, ज़ीरा लेंगे हम 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर लेंगे हम 1 चम्मच या जितना तीखा आप पसंद करते हो, नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार, तेल लेंगे हम फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आलूओं को मैश कर ले रही हूँ हाथों से ही। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं आलूओं को। आलू को हम 2 से 3 घंटे पहले बॉईल करके रखेंगे ताकि जो आलू है पूरे रूम टेम्परेचर में आ जाए, इससे बहुत अच्छे वड़े बनते हैं। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ साबूदाना। साबूदाना को हमेशा आप 6 से 7 घंटे या 8 घंटे तक के लिए भिगा के रखिए या रात भर भिगा दीजिए, उससे वो बहुत अच्छे बनते हैं और फूटते भी नहीं हैं फ्राई करते समय। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ चॉप जिंजर और हरी मिर्ची और हरा धनिया, साथ में हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं और 1 चम्मच मैं इसमें पीसी लाल मिर्च भी डाल दे रही हूँ और साथ में हम इसमें ज़ीरा भी डाल देंगे। अब हम इसमें फली दाना डाल देंगे, 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे फली के दाने डाले हैं, मैंने उसे हल्का हल्का सा क्रश भी करके रखा है। फिर यहाँ पे मैं नींबू का रस डाल दे रही हूँ। अब इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये अब अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हमें इसकी गोल गोल टिक्की बना लेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं इसे अभी राउंड शेप दे रही हूँ। इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतने तैयार कर लिए हैं, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें जो वड़े बना के रखे हैं वो इसमें डाल देते हैं हम और इसे लो टू मीडियम फ्लेम में अभी हम फ्राई कर रहे हैं और इसे 2-2 मिनट्स तक के लिए मैं फ्राई करूँगी दोनों तरफ से और फिर हम इसे निकाल लेंगे। हल्के हाथ से चलाइए क्योंकि अभी ये ज़्यादा अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है और हम इसे टर्न कर रहे हैं तो ये टूट सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। हल्के हाथों से हम इसे टर्न कर लिए हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इन्हें निकाल लिया है, अब हम तेल को डबल गर्म होने देते हैं। जब हमारा तेल फिर से अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम इसे फिर से फ्राई करने के लिए डाल देंगे। इससे ये होगा जो हमारे वड़े हैं वो बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से सॉफ्ट रहेंगे, बाहर से बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसे मैं हाई फ्लेम में फ्राई कर रही हूँ, 2 से 3 मिनट तक हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, फिर इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार है अब। सो नाज़रीन, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।